अभी मैं जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे पंजाब साइड में हूँ और यहाँ से 17 किलोमीटर दूर जो है पाकिस्तान है। पीछे जो है माधोपुर इंजीनियरिंग हेडवर्क्स है, यहाँ से पानी जो है पंजाब के लिए डाइवर्ट किया जाता है और पाकिस्तान के लिए नदी के थ्रू पानी जाता है। यहाँ से बिहार सरकार के इंजीनियरों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सभी एक बार इस डैम को देखने जरूर आए। 1875 ईस्वी में ये डैम बना और आज तक इस डैम में किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं आई। लगभग 150 साल पुराना डैम जो है आज भी सही सलामत है, लेकिन 13 दिन पहले बना हुआ पुल बिहार में टिकेगा कि नहीं टिकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वर्तमान समय में यहाँ पे भारत सरकार एक पावर प्लांट बना रहा है जिसमें रंजीत सागर डैम जो आगे है वहां से पानी आएगा, पावर प्लांट में बिजली पैदा होगा और यहां से पानी जो है पंजाब हरियाणा और दिल्ली को जाएगा। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ ये कमाल का नमूना जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे, देश के अनेकों कोने में जो है इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है आप लोग देख सकते हैं, पुराना डैम देख सकते हैं, पुराना जो है मकान देख सकते हैं, लेकिन बिहार में लगातार धाएं धाएं पुल जो है बिहार के इंजीनियर गिरा रहे हैं। उनको बिहार सरकार के द्वारा जो है भारत भ्रमण का जो है एक कोर्स कराना चाहिए। 6 महीना तक बिहार सरकार के जितने इंजीनियर हैं उनको भारत के अलग अलग कोने में भेज दिया जाए और वहां पे जाके देखे कि किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन वर्क होता है। वर्तमान समय में अभी जो है दिल्ली से अमृतसर होते हुए कटरा तक के लिए एक्सप्रेसवे बन रहा है, लेकिन अगर बिहार सरकार के इंजीनियर बिहार में एक्सप्रेसवे बनवाएंगे और पुल बनवाएंगे तो उसका लाइफ साइकिल की गारंटी जो है ना वो कोई नहीं ले सकता है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि मोदी जी की भी गारंटी जो है बिहार सरकार के इंजीनियरों के सामने फेल हो जाता है। काहे कि वो लोग 1 महीना के अंदर अंदर 20-25 गो पुल गिरा देते हैं और 1700 करोड़ का पुल गिराते हैं, 1200 करोड़ का पुल गिराते हैं, 12 करोड़ का पुल गिराते हैं और पुल गिरने के बाद ढाक के 3 पात, अंधेर नगरी, अटके सिर भाजा वाला कहानी हो जाता है बिहार में। तो मैं कहना चाहता हूँ, सरकार अगर चाहती है कि बिहार सरकार के इंजीनियर भी मजबूती के साथ कंस्ट्रक्शन वर्क का काम करें, पुल का काम करें, निर्माण करें, तो उन्हें जो है एक बार जो ये माधोपुर हेडवर्क्स जो है उसे यहाँ पे लाके उन लोगों को लाके दिखाना चाहिए। मैं आज से 2 साल पहले भी यहाँ पे आया था, यहाँ से रिपोर्टिंग किया था और मैं चीजों को दिखाया था। आज फिर मैं दिखा रहा हूँ कि अगर उन लोगों ने सुधार नहीं किया तो कल को बिहार में एक्सप्रेसवे का भी निर्माण होगा ना तो उसकी भी गारंटी जो है वो कोई नहीं ले सकता है। इसीलिए 1875 में बना हुआ ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और उस समय के जमाने का कंस्ट्रक्शन, उस समय जब जेसीबी नहीं हुआ करता था, क्रेन बड़ा बड़ा नहीं हुआ करता था, उसके बावजूद जो है इतना मजबूत बना दिया जाता था, सीमेंट नहीं हुआ करता था, उसके बावजूद जो है इतना मजबूत डैम बना दिया जाता था, इतना मजबूत जो है पानी को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग जो है पुल फाटक बना दिया जाता था, आज के समय में इस प्रकार का काम क्यों नहीं होता। और खासकर मैं बिहार सरकार के इंजीनियरों को बताना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, अगर बिहार सरकार के इंजीनियर सुधरेंगे तो ठीक है, अच्छा पुल पुलिया रोड बनेगा, और नहीं सुधरेंगे तो 1 महीना में तो 20 को गिराए हैं, 1 साल में कितना पुल गिराएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। सामने कश्मीर है, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब है ये, और इस साइड जो है 17 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो पाकिस्तान है और ये वही जो है माधोपुर हेडवर्क है जो जब चाहे तब जो है पाकिस्तान के लोगों को जो है वो प्यासे मार सकता है, जब चाहे तब जो है बारिश के समय में बाढ़ में अगर पूरा फाटक इसका खुल जाए तो पाकिस्तान के लोग पानी में डूब के मर सकते हैं। लेकिन भारत चूंकि ऐसा नहीं करता है, पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता है। उस पर जो है अकेले में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उनकी एक्टिविटीज पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार के इंजीनियरों को इसे सीखने की जरूरत है। जय हिंद।